नमस्कार डोगरी खबर इस बुलेटिन में आए खमना सोनोपा जिस वेले के लेखे जोखे उपर राज्यपाल एन एन वोरा और राज्य के लोगों की कबीर जयंती के मौके पर बधाई दी। अपने संदेश च राज्यपाल हो आखे कि भगत कबीर के लेख ने भगती आंदोलन उपर गहरा असर पाया है। यह असेंगी एक सद्भावपूर्ण समाज के निर्माण ताई पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित करता है। राज्यपाल हो इस मौके पर राज्य च अमन चैन ते खुशहाली ताई कामना भी की। 2995 यात्रियों का पहला जत्था आज श्री अमरनाथ यात्रा के लिए नुनवन ताई कड़ी सुरक्षा पश्कार आधार शिविर थमां रवाना हुआ। पहले जत्थे की गवर्नर के दवे सलाहकार बीबी व्यास से विजय कुमार होरें रवाना किया। नैशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय प्रधान देवेंद्र सिंह राणा भी मती पार्टी के कार्यकर्ताएं कन्ने पहले जत्थे की भेजने उपर तुआई मौजूद हे। आधिक च रिपोर्ट। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज सुबह 5 बजे आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुआ। गवर्नर के सलाहकारों बीबी व्यास और विजय कुमार ने यात्रियों को कश्मीर में नुनवन बेस कैंप के लिए रवाना किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा पूरी तरह मजबूत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज यात्रा को रुखसत करने के समय न तो कांग्रेस और न बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। इधर यात्रियों में काफी जोश तथा उत्साह है। उन्होंने कहा कि भोले बाबा के पास जाते हुए उन्हें कोई डर महसूस नहीं होता। आज रवाना हुए पहले जत्थे में 2334 मर्द, 520 महिलाएं, 21 बच्चे तथा 120 साधु शामिल हैं। इस वर्ष यात्रा दोनों रूट से चलेगी, बालतल तथा पारंपरिक पहलगाम रूट। यात्रा 26 अगस्त को संपन्न होगी। राजेंद्र कुमार, राजू सिंह, टेक वन चैनल, जम्मू। उधमपुर च यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर रविंद्र कुमार टिकरी स्थित काली माता मंदिर लागे यात्रियों के स्वागत ताई आप मौजूद रहे। तो आई यात्री के खाने पीने का प्रबंध किया गया है। तो आई जिला उधमपुर श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, आईटीबीपी से सेना का भी साथ लिया गया है। एसएसपी उधमपुर फैजल कुरैशी ने सुरक्षा इंतजामों के लिए विस्तार से जानकारी भी दी। बाकी रुकने की जगह हो हमने पूरी तैयारी की है और उनसे रोड कंडीशन हो हमने रोड के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया इस बार। तो मुझे उम्मीद है कि जो यात्री को प्रेशर नहीं होगी ज़्यादा सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध किया गया है। चाहे हमारी जितनी भी लोकेशन हो सभी के ऊपर सिक्योरिटी है, चाहे आर्मी की कोई हो चाहे बाकी पुलिस हो या सीआरपीएफ हो, तो सभी की ये हमने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हमको एडिशनल जो श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 3 कंपनीज़ मिली हैं जो हमने इसको डिप्लॉय कर दिया है पूरी नेशनल हाईवे के ऊपर। उसके अलावा हमारे अपने जो एडिशनल रिसोर्सेज हैं जैसे कि हमारे लाइन की नफरी और जैसे हमारे जो थाने चौकियां हैं इन सब की नफरी सब डिप्लॉय की गई हैं और सारे जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं दे हैव बीन ऑगमेंटेड फॉर स्मूथ पैसेज ऑफ अमरनाथ यात्रा एंड वी हैव बीन डूइंग इट ऑल दीज ईयर्स एंड वी आर क्वाइट होपफुल that this year also it will pass off very peacefully. पुलिस ने एक खास सूचना मिलने पर सोपर च फ्रूट मंडी लागे नाके उपर जैशे मोहम्मद के 4 ओवरग्राउंड वर्करें की गिरफ्तार किया। उनके शा UBGL, 2 हैंड ग्रनेड ते किसी और समान भी बरामद किया गया है। नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह, स्टेट प्रेजिडेंट BS मनकोटिया ते यंग पैंथर्स के प्रेजिडेंट यशपाल कुंडल होरें गवर्नर कोला मांग की है कि वह विधानसभा की भंग करी नवे सिरे थमा चुनाव करान। जम्मू कश्मीर सही चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सौदेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी, फिर विधानसभा को भंग करो भंग करो भंग करो। जब भी सरकार बनने की कोई संभावना ना हो असेंबली को सस्पेंडेड नहीं रखा जा सकता है, ये संवैधानिक प्रावधान भी है और सुप्रीम कोर्ट की भी इसके ऊपर कई रूलिंग्स हैं।
लेकिन जम्मू कश्मीर में आज की तारीख में भी असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया है और विधायकों को पूरी छूट दी जा रही है कि वो अपना CDF जो है उसका इस्तेमाल करें और बतौर विधायक जो है वो पावर इस्तेमाल करें। ये केंद्र सरकार के दबाव में जो है वो किया जा रहा है, ये सरासर गलत है, असंवैधानिक है और मौजूदा स्थिति में गवर्नर महोदय के पास सिर्फ एक विकल्प है कि वो इस असेंबली को फौरन भंग करें और यहाँ नए चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जानी चाहिए। नगरोटा के पंजग्राई च भारत सेवा आश्रम संघ आसिया श्री अमरनाथ यात्रियों की सुविधा तई लंगर की शुरुआत की गई। नगरोटा विधायक दविंदर सिंह राणा, DIG CRPF MC पनवार, एडिशनल DC अरुण मनहास इस अवसर पर खास करिए मौजूद रहे। तई भारत सेवा आश्रम के इंचार्ज स्वामी सत्य मित्रा नंद जी महाराज आसिया आए दे परौने गी शॉल देइए सम्मानित भी किया गया। आज अमरनाथ यात्रा का आगाज जम्मू से सुबह 4:30 बजे हुआ। जम्मू जो मंदिरों का शहर है, रीति रिवाज के मुताबिक हर बरस की तरह बड़े हर्षोल्लास से भव्य स्वागत यात्रियों का किया और यात्रियों को आज अपनी यात्रा में भेजा। आज पूरे जम्मू कश्मीर में लोग जगह जगह पे यात्रियों के स्वागत के लिए खड़े हैं, ना केवल जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी लोग उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये यात्रा जम्मू कश्मीर के रिवायती भाईचारे की अक्कासी करती है और जम्मू कश्मीर का हर बशर, चाहे वो कश्मीर में रहने वाला हो या जम्मू में रहने वाला हो, ये दुआ करता है कि ये यात्रा जो है सब यात्री जो हमारे मेहमान जम्मू कश्मीर में आए हैं उनकी यात्रा सुखद हो।